दोस्तों, माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की अपार कृपा होती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे, उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों के दिलों में राज करना आना चाहिए। उन्होंने अपनी जद्दगी के 30 साल गरीब मजदूर यूनियनों की सेवा में दिल्ली में इसी दम पर लगाए। वे बताते थे कि राहों के सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक बार उनसे अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो हमारे पिता ने कहा कि मैं वो काम करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें यही प्रेरणा दी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आज हम उन्हीं के दिए विचारों व संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। माँ बाप के कर्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कर्म सिद्धांत इस बारे में क्या सोचता है? शास्त्र में एक शब्द आता है दाय भाग। दाय भाग क्या होता है? एक बच्चे ने किसी अमीर के घर में जन्म लिया, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के घर में जन्म लिया, वो बिना पुरुषार्थ के करोड़पति हो गया। ये करोड़पतित्व उसे दाय भाग से मिला, माँ बाप के पुण्य से मिला। एक बच्चा अपने पुण्य की क्षीणता से एक भिखारी के घर में जन्म लेता तो दाय भाग से अपने माँ बाप का भिखारीपना उसके हिस्से में मिल गया। ये एक समीकरण है। माँ बाप का पुण्य प्रबल होता है तो बच्चे के लिए उनकी छत्रछाया जीवन के अंत तक बनी रहती है। चक्रवर्ती पुण्यशाली जीव होता है और उसकी संतान या उसके वंश पर कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि ये चक्रवर्ती का पुण्य है। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रगाढ़ रहता है कि उसके रहते हुए उसका सारा वंश संभला रहता है। माँ बाप से पुत्र को, संतान के वंश को मिले हुए संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि साधारण परिवार में ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी कार्य कुशलता के बल पर असाधारण ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब। APJ कलाम एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर ली, राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। उस बच्चे से उनके माँ बाप का नाम रोशन हुआ, पुत्र से भी माँ बाप का नाम रोशन होता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का कर्म है सो है ही, उसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सब चीजें पसंद करके पाई जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप को पसंद करके नहीं पाया जाता। वो तो जैसे मिले हैं वैसे ही पसंद करना होता है। जो माँ बाप तुम्हें मिले सो मिले, पर उन माँ बाप की छत्र छाया में जो तुम्हें मिला है उसे बढ़ा। अगर नहीं मिला है तो अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप से लोग ये बात पूछने के लिए लालायित हो उठे कि किस पुण्य के योग से ऐसी संतान प्राप्त करने का योग प्राप्त किया। अच्छी संतान के लिए ये सबसे अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का आशय क्लियर हो गया। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, उसको अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती।
इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते, न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया, फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया, बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रिकुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लग। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई था, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है।
पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए।